गेम चेंज हुई है, बस गेम बॉल चेंज कर दी। बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, दुकानें बंद थी तो इतना दूर आए हैं हम क्रिकेट बॉल लेने। बाकी जो लड़के हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड में, वो भी हमें डर है कि वो लड़के चले भी ना जाए, तो हम बड़ी जल्दी स्पीड से जा रहे हैं। बॉल भी लेकर आ गए हैं, ग्राउंड में लड़के गए हुए थे पता नहीं कहाँ पर हैं, रश बहुत ज़्यादा है ग्राउंड में। आज संडे है ना, तो हर कोई जो है ना यहाँ क्रिकेट खेलने आया हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट खेलना बहुत बड़ा रिस्क है, कहीं से भी आपको गेंद जो है ना लग सकती है। यहाँ पर क्रिकेट खेलना फलस्तीन में क्रिकेट खेलने के मुतरादिफ है। पहला जो बॉल है हमारा वो फट गया है, जो हम बड़ी मुश्किल से सुबह हमें मिली थी गेंद वो फट गई है। अब दूसरी हमने ली है, ये कौन सी है? सेम टू सेम तो नहीं गेंद यार, इस दुकान तो मिली है दूर और दूर तो उस तो ही लूज है। सी ए दी है, भी सी ए दी सारी दुकान फिर आखिर उस पे गया, उन्होंने आखिया अगर उन्होंने पसंद आ गई ठीक है, लेकिन वापस यार। मच 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 लेटर। सुबह फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने आए थे, गेंद ली थी वो जो है ना एक मैच एक इनिंग खेले हैं उसके साथ वो फट गई है। दोबारा हमने नई ली है गेंद, तो उसका भी हमें डाउट है कि वो भी थोड़ी सी फटी हुई, मगरिब होने के बिल्कुल करीब है, लड़कों ने लेट कर दी है। तो दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि आगे जगह मिलती भी है कि नहीं ग्राउंड खेलने की। जो कि नेक्स्ट फिल्म के मालिक है। लड़ी फूल मिला मामा डाली है 2024 2024 तक तुम पता नहीं जिंदा होगे क्या नहीं। दादा डांस आ गया, डांस आ गया। हाँ भाई तीस राउंड का हमें टारगेट मिला है, अभी जो है ना बच्चों को हमने भेजा है, तो देखते हैं कि ये हमसे चेज हो पाता है कि नहीं 6 ओवर में। तीन राउंड रहते हैं, देखते हैं। भाज 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 असराज भाज भाज भाग यार। ओ तेरा भलो वे ये तो हम दोनों मैच जो है ना विन कर गए हैं क्रिकेट के इन दोनों। गुड मॉर्निंग आप सब फ्रेंड्स को, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खरिया से होंगे। तो कल संडे था, कल हमने क्रिकेट का प्रोग्राम बनाया हुआ था, सब बॉयज़ को छुट्टी थी कॉलेज से और एकेडमी से भी छुट्टी होती है। पहला मैच था तो पहले मैच में ही वो ना गेंद फट गई क्योंकि वो सॉफ्ट ज़्यादा थी। तो फिर दोस्तों ने कहा कि ना शाम को आएंगे, नई बॉल लेंगे उसके साथ मैच खेलेंगे। आ गए सब बॉयज़ को लेकर ग्राउंड में, ग्राउंड में जब पहुँचे ना गालिबन दूसरा मैच चल रहा था, तो मैंने शायद हेट लगाई थी, हाँ मैंने हेट लगाई थी, तो बैट टूट गया। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम गेंद फट गई, अब बैट टूट गया, आज बहुत नुकसान हुआ है मैच खेलने का। आपको बताने का मकसद ये है कि तो कल ये दो हमारे मेन नुकसान हुए। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप पंजाबी में व्लॉग बनाते हैं, आधा पंजाबी होता है आधा उर्दू होता है, भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि ये व्लॉग जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ एज ए फन एज ए टाइम पास, जो दोस्तों के साथ हम बाहर निकलते हैं या इंजॉय करते हैं, तो एक हमारी जो है ना याददाश्त भी हो जाती है, तो एज ए मेमोरी भी हो गई और एज ए शुगल भी लग गया जो हम इंजॉय करते हैं, व्लॉग भी बन गया, यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया,
मोनेटाइज हो या ना हो, व्लॉग तो बन रहे हैं। जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये उर्दू और पंजाबी दोनों में व्लॉग हो सकते हैं। मोस्टली जो पंजाब के लोग हैं ना, वो पंजाबी बोलते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आधा व्लॉग पंजाबी में होता है आधा उर्दू में, तो ये कोई रीज़न नहीं। दूसरी बात ये है कि, और एक बात और ये है कि अगर आपको व्लॉग पसंद नहीं आते, आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अनसब्सक्राइब कर दें ना, देखें स्किप कर दें व्लॉग को। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें और व्लॉग देखें। हम तो एज ए फन व्लॉग बनाते हैं, एज ए मेमोरी, अपनी यादें सेव रखने के लिए। बहरहाल तो मिलते हैं घर जाकर। A few moments later. तो पहला काम आपने घर आकर क्या करना है, आपने करना है टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के बाद आपके दांत हो जाएंगे सफ़ेद। तो अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और एक अच्छे शहरी होने का और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नंबर टू पर जो सुबह सुबह आपने अच्छा काम करना है, वो ये है कि आपने टाइम से नाश्ता करना है। पहला तो हो गया टूथपेस्ट करना है, दांत साफ करने हैं, उसके बाद आपने नाश्ता करना है टाइम से। सबसे मुश्किल काम यहाँ पर बैठकर हम एक बहुत बड़े इशू पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, बहुत से लोग परेशान हैं इस महंगाई की वजह से, बहुत सी हुकूमतें नाकाम रही हैं इसको कंट्रोल करने में। तो मेरी जो ज़ाती ओपिनियन है, जो मेरी ज़ाती राय है, वो ये दूसरा सबसे बड़ा मसला है, वो पानी का मसला है, पीने का साफ पानी। तो मोस्टली जो देहातों में है जो ना, पानी अब ख़राब होता जा रहा है। वहाँ पर भी जो है सुनने में आया कि काफ़ी लोग बीमार हुए हैं ख़राब पानी पीने की वजह से। तो शहरों में तो जगह जगह पर फ़िल्टर बने हुए हैं, वहाँ से पानी आप लेकर आ सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि ये फ़िल्टर वाला पानी है। एक कैन है ना, फ़िल्टर से लेकर आनी पड़ती है, ये होगी 20-25 लीटर की तो कैन होगी। तो दुनिया के लिए पानी का इशू तो सबसे बड़ा इशू है, जो मेरे लिए मेन इशू है वो फ़िल्टर से रोज़ाना पानी भर कर लेकर आना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ये मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है। आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।